असलम स्टूडेंट्स मेरा नाम अमार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक मरतबा फिर चेन रूल पर बात करेंगे एक्सरसाइज हमारी 3.6 चल रही थी 74 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं आज हम 75 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम चेन रूल को जरा रिवाइज कर लेते हैं चेन रूल डेरीवेटिव के अंदर तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपको फंक्शन कम्पोजिशन को डिफरेंशिएट करना पड़े दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कम्पोजीशन एफ़ नॉट जियोफैक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ जियोफैक्स मतलब ये फंक्शन किसी फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है फंक्शन डायरेक्टली किसी वेरिएबल पर नहीं बल्कि एक फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है ठीक है तो ऐसी सूरत में इस तरह के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको चेन रूल का इस्तेमाल करना पड़ता है मतलब इसमें चेन बन जाती है एफ नॉट जी प्राइम ये डेफिनेशन लिखी हुई है चेन रूल की इक्वल्स एफ प्राइम ऑफ जियोफेक्स मल्टीप्लाई जी का डेरिवेटिव यानी पहले आपको आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और फिर जो आपका इनर फंक्शन होगा उसको आपने अलग से डिफरेंशिएट करना है ठीक है तो इस रूल को यूज़ करते हुए हम, हम आज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वेल्स क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव में कुछ सात आठ पार्ट्स हैं दो फंक्शन गिवन है एफ और जी इनकी एक्स इज इक्वल टू टू और थ्री पर वैल्यूज़ भी गिवन है साथ ही साथ इनके डेरिवेटिव की वैल्यूज़ भी गिवन है तो इन वैल्यूज को हमने यूज़ करते हुए गिवन फंक्शन को डिफरेंशियट करना है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन एट द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स तो पार्ट ए में हमारे पास है टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स तो जब आप इसको करेंगे डिफ्रेंशियट नोटेशन इसके लिए डी ओवर डी एक्स भी यूज कर सकते हैं या ऊपर प्राइम लगा दीजिए टोटल नोटेशन है ये इक्वल आ जाएगा टू टाइम्स एफ प्राइम ऑफ एक्स क्योंकि ये कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था फंक्शन के साथ अब जबकि आपको चाहिए टू पर डेरीवेटिव तो यू कैन सिंपली राइट टू टाइम्स एफ डेरीवेटिव एट एक्स इज ईक्ल टू टू ये आ जाएगा इक्वल एक्स को रिप्लेस कर दें टू से अब ये वैल्यू आपके पास गिवन है एफ प्राइम ऑफ टू की दिस वन एक्स इज एक टू टू पर डेरीवेटिव आ रहा है वन बाई थ्री तो सिंपल वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर टू मल्टीप्लाई वन बाई थ्री तो ये आपके पास आ जाएगा टू बाई थ्री ठीक है इस तरह से आप इन फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकंड पार्ट पे मतलब तो बी पार्ट में आ जाएं तो दो फंक्शन का सम हो रहा है सम केस में भी आप जानते हैं आपके पास जो डेरिवेटिव्स होता है ये सेपरेटली अप्लाई हो जाता है दोनों फंक्शंस पे तो ये आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस जी प्राइम ऑफ एक्स ठीक है और आप चूंकि हमें चाहिए इसका डेरिवेटिव किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर विच इज़ थ्री इन दिस केस तो आप पहले तो लिख लेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस जी प्राइम ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्ल टू थ्री इज बेसिकली एफ प्राइम ऑफ थ्री प्लस जी प्राइम ऑफ थ्री ठीक है ले जी अब वैल्यूज़ आपके पास गिवन है डेरीवेटिवस की दिस इज़ एक्स इज ईक्ल टू थ्री फर्स्ट आपके पास कॉलम में आ रहा है और दिस इज़ एफ एंड दिस इज़ डी का डेरीवेटिव टू पाई आ जाएगा और साथ में फाइव आ जाएगा तो इसका आंसर फिर बन रहा है जी एफ प्राइम ऑफ थ्री इक्वल है टू फाइव के और जी प्राइम थ्री इक्वल है फाइव के दैट्स इट वेल सी पार्ट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास कौन सा रूल लगेगा सॉरी ah, माइनस नहीं है दिस इज मल्टीप्लाई x, एक्स डेरीवेटिव प्रोडक्ट रूल लग जाएगा फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज रख सकते हैं सेकेंड का डिफरेंसी डिफरेंशिएट है, जी प्राइम इसी तरह से देन एफ प्राइम और जी ऑफ एक्स जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा ठीक है अब चूँकि हमें चाहिए डेरीवेटिव एट एक्स इज टू थ्री तो हम लिख सकते हैं सिंपल एट एक्स इज टू थ्री दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है जी जी प्राइम ऑफ थ्री प्लस एफ प्राइम ऑफ थ्री मल्टीप्लाई जी ऑफ थ्री ठीक है वैल्यूज़ आपके पास गिवन है पुट कीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा एफ ऑफ थ्री है थ्री के इक्वल जी प्राइम है फाइव के इक्वल जी इक्वल है माइनस फोर और एफ प्राइम है टू पाई ये सब वैल्यूज़ हम यहाँ पर लगाएंगे तो फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा ठीक है एफ ऑफ थ्री इक्वल था थ्री के जी प्राइम जो था वो फाइव के इक्वल था प्लस साइन फिर आपका जो एफ डेरिवेटिव है Uh, वो इक्वल था टू पाई के और जी ऑफ थ्री की वैल्यू जो है वो माइनस फोर थी तो so, सिंपलीफाई करने में आपको मिलेगा फिफ्टीन माइनस एट पाई दैट्स इट राइट वेल क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चन सेवेंटी फाइव के डी पार्ट पे आपके पास फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स जब आप इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट तो इस पर ऑफकोर्स क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा मतलब जी ऑफ फैक्स एज इट इज एफ का डेरिवेटिव माइनस एफ एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ जी दिस होल डिवाइडेड ऑफ जियोफैक्स यानी जो डिनोमिनेटर में फंक्शन पड़ा है उसका स्केयर आ जाएगा ठीक है अब चूंकि हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए गिवन है एट x इज इक्वल टू टू तो टू पर आप इसको एवैल्यूएट करेंगे तो एक्स जहाँ जहाँ पर आ रहा है उसको टू से रिप्लेस करेंगे जी ऑफ टू मल्टीप्लाई होगा एफ़ प्राइम ऑफ टू के साथ माइनस एफ़ ऑफ टू मल्टीप्लाई जी प्राइम ऑफ टू होल डिवाइडेड बाय जी ऑफ टू का स्केयर आ जाएगा ठीक है सब वैल्यूज तब आप लगा सकते हैं जी ऑफ एक्स की वैल्यू मतलब जी ऑफ टू की वैल्यू थी टू एफ़ प्राइम ऑफ टू की वैल्यू थी वन ओवर थ्री माइनस एफ़ ऑफ टू की वैल्यू हमारे पास थी एट uh, ये ऊपर गिवन है आप देख सकते हैं वहाँ से और जी प्राइम ऑफ टू की वैल्यू है माइनस थ्री राइट डिवाइडेड बाय जी ऑफ टू की वैल्यू इस टू के ऊपर भी हम यूज़ कर चुके हैं टू का स्केयर भी आ जाएगा जब आप इसको कंप्लीट सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर बनेगा थर्टी सेवन ओवर सिक्स आई होप हो ये चीज़ें आप कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई करना ट्वेंटी फोर आ जाएगा प्लस टू बाई थ्री डिवाइडेड बाई फोर सिंप्लीफिकेशन ही है सिंपल थर्टी सेवन और सिक्स इसका आंसर आ रहा है ले जी ई पार्ट में आ जाए दिस इज बेसिकली फंक्शन कंपोजिशन और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें चेन रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा बल्कि जो डेफिनेशन हमने सीखी है एज इट इज़ वही अप्लाई होगी तो लीजिए जी इसमें पहले आउटर फंक्शन चूँकि एफ है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा जी को आप नहीं छेड़ेंगे ये जी ओ फैक्स एज इट इज़ आएगा फिर साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा जी का डेरिवेटिव ठीक है अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है एट एक्स इज इक्ल टू टू उसको लिखने का तरीका कार है डेरीवेटिव लिखिए ये लिमिट है बेसिकली एट एक्स इज इक्ल टू टू एक्स को आप रिप्लेस कर दें टू के साथ तो जी ऑफ टू आ जाएगा मल्टीप्लाई जी प्राइम ऑफ टू अब ये अगेन सब वैल्यूज ऊपर से आपने टेबल में गिवन है जी ऑफ टू की वैल्यू अगर आप ऊपर देखें तो वो हमारे पास uh, क्या गिवन थी बोला? आई थिंक टू थी मैं फिर भी इसको वेरीफाई कर लेते हैं जी ऑफ टू की वैल्यू यस एक्स इज इक्वल टू टू है जी ऑफ एक्स तो ये टू आ रही है ठीक है ओके इसी तरह से जी प्राइम ऑफ टू की वैल्यू क्या है जी प्राइम ऑफ टू की वैल्यू थी माइनस थ्री ठीक है अब एफ प्राइम ऑफ टू की वैल्यू वन ओवर थ्री है तो वन ओवर थ्री मल्टीप्लाई होगा माइनस थ्री के साथ तो इसका आंसर आ रहा है सिंपल माइनस वन ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में स्के रूट है एफ ऑफ एक्स का तो इसमें हमारे पास स्के रूट का मतलब होता है वन ओवर टू तो पहले फिर इनफैक्ट ये भी चेन रूल ही है ना क्योंकि पहले आप इसमें पावर रूल लगाएंगे मतलब पावर स्टार्ट में आ जाएगी वन ओवर टू और पावर में से करेंगे एक कम एफ ओफेक्स की पावर माइनस वन ओवर टू बन जाएगी और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा राइट इसको थोड़ा आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं मतलब वन ओवर टू टाइम्स स्के रूट एफ ओफेक्स मल्टीप्लाई होगा डेरीवेटिव ऑफ एफोफेक्स और हमें चूंकि इसको टू पर अवेल्यूएट करना है यू कैन राइट एक्स इज इक्वल टू टू तो ये बनेगा जी एफ प्राइम ऑफ टू डिवाइडेड बाई टू टाइम्स स्के रूट ऑफ एफ ऑफ टू लीजिए जी अब आप जो सर्टेन वैल्यूज हैं वो इसमें पुट कर सकते हैं प्राइम ऑफ वैल्यू दे रहा है वन ओवर थ्री टेबल से देखिए ऊपर नीचे टू ऐसे ही आ जाएगा स्के रूट और एफ ऑफ टू जो है वो वैल्यू हमारे पास दे रहा था एट इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये एट ही थी बिल्कुल एट है सबसे स्टार्ट में जो लिखी हुई है वैल्यू ठीक है तो एट का स्केयर रूट जब आप लेते हैं तो ये टू बाहर आ जाता है यहाँ से बेसिक है बिल्कुल तो अल्टीमेटली इस केस में फिर आपका आंसर बनेगा जी स्के रूट टू सिंप्लीफिकेशन करने के बाद स्के रूट टू डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फोर ठीक है ये अब आपने खुद देखना है कैसे आया खैर लास्ट क्वेश्चन है वन ओवर जियो का स्केयर तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें क्वेश्चन रूल इस्तेमाल करना होगा और उसके साथ साथ देख लेते हैं ओके तो सबसे पहले तो अभी क्वेश्चन रूल ही होगा या आप क्वेश्चन रूल अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है आप क्या करेंगे पावर को मतलब इस फैक्टर को ऊपर शिफ्ट करेंगे पावर नेगेटिव में हो जाएगी तो आप इस पर चेन रूल डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं बट चलें खैर तो क्वेश्चन रूल कहता है कि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्केयर आ जाएगा तो वो पहले ही है फिर स्केयर करेंगे तो पावर फोर बन जाएगी और फिर इसको ऊपर एज इट इज़ लिख देंगे वन का डेरिवेटिव जो कि जीरो बनता है माइनस फिर जी स्केयर एज इट इज सॉरी सॉरी जी स्केयर नहीं एज इट इज़ वन एज इट इज और जी स्केयर का डेरिवेटिव तो जी स्केयर पर पहले लगेगा पावर रूल पावर स्टार्ट में पावर से करेंगे एक कम वन बच जाएगा और फिर इनर फंक्शन जी ऑफ फैक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा ठीक है ले जी तो ऊपर है जियो फैक्स नीचे पावर है फोर एक कैंसिल आउट होके नीचे थ्री बचेगी सही है तो ये ज़ीरो हो जाएगा फाइनली फिर इसका आंसर बनेगा हमारे पास माइनस टू टाइम्स जी प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ऑफ़ एक्स पावर थ्री हमें चाहिए इसका डेरिवेटिव थ्री पे तो दिस इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स जी प्राइम ऑफ थ्री डिवाइडेड बाय जी ओफ़ थ्री क्यूब राइट अब माइनस टू ठीक है एज इट इज आ जाएगा जी प्राइम थ्री पे क्या वैल्यू दे रहा है जी प्राइम जो है वो हमारे पास थ्री पे वैल्यू दे रहा है फाइव ऊपर गिवन है डिवाइड करेंगे जी ऑफ थ्री के क्यूब से जी ओफ थ्री का मतलब है माइनस फोर पावर इसकी है थ्री तो जब आप माइनस ऑड पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा यह बनेगा जी टू मल्टीप्लाई फाइव डिवाइडेड बाई आई थिंक सिक्सटी फोर बिल्कुल कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे बचेगा थर्टी टू और ले जी फाइनली फाइव ओवर थर्टी टू इसका आंसर आ रहा है एट डेट्स इट ठीक है आज के लिए फिर मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है तीन सवाल हमारे बाकी हैं इस एक्सरसाइज से नेक्स्ट लेक्चर में वो भी कवर कर लेंगे आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन हो कहीं से कुछ नहीं समझ लगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अदरवाइज थैंक यू वेरी मच